तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल काकुमी की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे हीरोज काबा और कलीफ्ला बुलमा को सलागा से बचा पाते हैं या नहीं। दोस्तों, ड्रैगन बॉल काकुमी एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है और इसके क्रिएटर से जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि एडमिरल फिनेल बहुत तेज़ी से अपने सुपर सैयन की फॉर्म में उड़ रही होती हैं। उनकी कमर पर लीमो होता है और उन्होंने चिल्लाए की बॉडी को पकड़ा हुआ होता है। वो अपने सामने कोई जगह देखती हैं और बोलती है कि हम यहाँ पहुँच गए, और उनके सामने होती है टफस लेबोरेटरी। हम देखते हैं कि काबा वहाँ पर पहले ही पहुँच चुका है, और काबा जैसे ही एडमिरल फिनेल को देखता है वो एकदम से ही आवाज़ लगाता है, एडमिरल फिनेल, और तभी वो चिल्लाए की हालत को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या चिल्लाए को ये क्या हुआ। एडमिरल फिनेल बहुत तेज़ी से लेबोरेटरी के अंदर जाती हैं। चिल्लाए की हालत हर सेकंड के साथ ख़राब होती जा रही है, उसका खून लगातार निकल रहा होता है, और वो कुछ डॉक्टर्स को देख कर बोलती है कि इसका ध्यान रखना, इसकी कंडीशन सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर्स आपको कुछ करना होगा। बुलमा भी टफस लेबोरेटरी में ही थी और वो देख कर पहचान जाती है कि ये चिल्लाए है। वो बोलती है, क्या ये चिल्लाए को क्या हुआ। एडमिरल फिनेल चिल्लाए की बॉडी को एक पलंग पर लिटा देती हैं और बुलमा दूर से ये देख रही थी। एडमिरल फिनेल बोलती हैं कि एक डीमन बॉडी को गुस्सा दिलाना चाहता था और आखिरकार वो सक्सेसफुल हो गया। हम देखते हैं कि चिल्लाए अभी भी जिंदा है और उसे ऑक्सीजन लगा दी गई है, पर उसकी चोट काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसके पेट में बहुत ही बड़ा गड्ढा बन चुका है। पर अच्छी बात यह है कि चिल्लाए के सही होने की वजह से अभी भी बॉडी को शांत करने के चांसेस बाकी हैं। बुलमा चिल्लाए को देखकर बोलती है कि उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, पर अच्छी बात यह है कि वो अभी भी हमारे साथ है, हमें बस उम्मीद करनी होगी कि सब कुछ सही हो। एडमिरल फिनेल बोलती हैं कि हमें लगा ही नहीं था कि वो डीमन ऐसा कुछ कर देगा, जो वो करना चाहता था उसे करने में वो सक्सेसफुल हो गया, और अब देखो हम यहाँ पर हैं। कलीफ्ला भी चिल्लाए के पास ही होती है। वो बोलती है, काश हम उसे सही समय पर रोक पाते। काबा बोलता है कि जो हुआ उस बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, मिस्टर वेजिटा ने हमें मिसिस बुलमा की रक्षा के लिए यहाँ पर भेजा है। बुलमा बोलती है कि तुम लोग किसी डीमन की बात कर रहे हो, पर मैंने यहाँ पर किसी भी डीमन के ट्रेसेस नहीं देखे। एडमिरल फिनेल बोलती हैं कि वो हमसे काफ़ी पहले निकला था, सच में ये कमाल की बात है कि वो यहाँ पर अभी तक कैसे नहीं पहुँचा। कलीफ्ला बोलती है कि हो सकता है कि उसने सोचा हो कि वो वापस चला जाए जब उसे पता चला हो कि उसे चेज किया जा रहा है। काबा बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है, अभी तक उन लोगों ने जो कुछ भी किया है उसके हिसाब से ऐसा होना मुश्किल है। तभी वहाँ पर पारसा भी आ जाता है और बोलता है कि मैंने पूरी बिल्डिंग के चक्कर लगा लिए, और जो लोग यहाँ पर अकेले थे और ख़तरे में लग रहे थे उन्हें मैंने यहाँ से निकाल दिया, ये बिल्डिंग अब ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खाली है। बुलमा बोलती है, थैंक यू नौजवान। बुलमा बोलती है, पारसा तुम जहाँ पर गए थे क्या तुम्हें वहाँ पर कोई ईवल प्रेजेंस महसूस हुई थी। पारसा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये अच्छी बात है या बुरी, पर जहाँ भी मैं गया था मुझे वहाँ पर वो महसूस नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि पारसा के चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और उसे कुछ महसूस होने लग जाता है। वो बोलता है कि ये क्या है, और तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, पारसा तो तुम्हारा नाम ये है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही अंधेरे में से निकल के सलाका बाहर आता है और पारसा से बोलता है कि हो सकता है तुम्हें कोई याद ना रखे, पर एटलीस्ट तुम हमेशा ही मेरे सबसे पहले विक्टिम के तौर पे जाने जाओगे। सलाका इसके बाद पूरी तरीके से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि पारसा के साथ कुछ हो रहा होता है, उसकी पूरी बॉडी जम सी गई होती है। सलाका बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम हिल नहीं पा रहे, ये तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी है, अगर ऐसा है तो मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ेगा। सलाका ये बोलते बोलते ही एकदम से पारसा के बराबर में आ जाता है। इसके बाद सलाका पारसा के सामने आता है और बोलता है कि मैं सिर्फ इस प्लान को अंजाम दे रहा हूँ, वेनरेबल हेयर ने मुझे ये ऑर्डर दिया है कि मुझे इस बुलमा का ध्यान रखना है और तुम मेरे रास्ते में हो। एकदम से ही सलाका के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लुक आ जाता है। वो बोलता है कि मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जैसे ही मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा वैसे ही सबको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ, पर मुझे अभी नहीं तो कुछ देर बाद अपना काम तो शुरू करना ही है, तो चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं तुम्हारे एहसान में रहूँगा जब भी हम हमारी आफ्टर लाइफ में मिलेंगे। ये बोलते ही सलाका अपने हाथ को पारसा के शरीर के आर पार निकाल देता है। हम देखते हैं कि पारसा दर्द से कराहने लग जाता है और उसके मुँह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से खून निकल रहा होता है। सलाका के चेहरे पर ज़रा सी शिकन भी नहीं आती, सलाका ने पारसा को जमा दिया था इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। कुछ देर तक वो दर्द से कराहता रहता है और उसके मुंह से खून निकलता रहता है।
पर कुछ ही पलों के अंदर अंदर उसकी आंखें लाइफ लेस हो जाती हैं। बुलमा, फिनर और बाकी जो लोग इस रूम में थे उन्हें समझ ही नहीं आता कि पार्सा के साथ ये क्या हुआ। उन्हें सिर्फ पार्सा के शरीर में एक गड्ढा दिखता है और वो ज़मीन पर गिरता हुआ दिख रहा होता है। बुलमा बोलती है, अरे नहीं। एडमिनर फिनर चिल्लाती हैं, पार्सा। हम देखते हैं कि कलीफला और काबा दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। उन्हें एकदम से समझ आ जाता है कि इस रूम में उनके साथ ज़रूर कोई और है। कलीफला चिल्लाती है कि वो डीमन यहाँ पर आ चुका है। काबा तभी बोलता है कि हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि वो मिस बुलमा के पीछे है, ना कि चिल्लाई के। एडमिनर फिनल एकदम से ही सुपर सीन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और बोलती हैं, तुम सही बोल रहे हो। वो बुलमा को लेके इस रूम से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि काबा, कलीफला और एडमिनर फिनल बुलमा को लेके इस रूम से बहुत तेज़ी से बाहर भाग रहे होते हैं। तभी हम लोग एक कमरे को देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे रेफ्यूजीज़ बैठे हैं और वहाँ पर एक शख्स है जो कि लोगों को गिन रहा है, और ये शख्स अभी तक अपनी गिनती में 78 लोगों को गिन चुका होता है। और वो अपनी गिनती को बीच में ही रोककर बोलता है कि अगर यहाँ पर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो बताने में हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पर बुलमा की दोस्त भी है, जो सबसे पहली दोस्त बुलमा ने इस प्लैनेट पर आने के बाद बनाई थी। बुलमा की दोस्त उसी शख्स को देख रही होती है और बोलती है कि तुम्हारे फादर सच में बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। मैं सच में होप करती हूँ कि बुलमा सही सलामत होगी, क्योंकि वो यहाँ पर मुझे हम लोगों के साथ दिख नहीं रही है। मुझे सच में उसकी चिंता हो रही है। हम देखते हैं कि बुलमा की दोस्त के साथ उसका बेटा भी है, यानी कि जो शख्स गिनती कर रहा है वो उसका फादर है, और ये तीनों लोग फैमिली हैं। उसके बेटे को तभी कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि वो एकदम से ही उठ जाता है। उसकी मॉम को कुछ भी समझ नहीं आता और एकदम से ही वो चिल्लाती है कि तुम क्या कर रहे हो। हम देखते हैं कि वो कूद कर एकदम से ही वहाँ से जाने लग जाता है, और तभी हम देखते हैं कि काबा भी भागकर कहीं पर आ रहा होता है और वो इस वक्त एक गैलरी में है। तभी हम देखते हैं कि काबा रुकता है और कलीफला को देख रहा होता है। वो इस वक्त डीमन सलाका को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। काबा बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला। कलीफला बोलती है, नहीं। और तुम्हें? तभी हम देखते हैं कि काबा और कलीफला को एकदम से ही दर्द से कराहने की आवाज़ आने लग जाती है, और ये दर्द से कराहने की आवाज़ एडमिरल फिनल निकाल रही होती हैं। एडमिरल फिनल की आंखें भी पूरी तरीके से वाइट हो चुकी होती हैं। बुलमा फिनल को देख के डर जाती है और बोलती है, नहीं। काबा और कलीफला एकदम से ही फिनल की तरफ भागकर जाने लग जाते हैं, और काबा चिल्लाता है कि वो कमीना एडमिरल फिनल के साथ भी वही करने की कोशिश कर रहा है जो कि उसने पार्सा के साथ किया था। हमें उसे रोकना होगा। एडमिरल फिनल के साथ कुछ हो रहा होता है और शायद अब वो भी मारे जाने वाली है। तभी हम देखते हैं कि एडमिरल फिनल भी उस अंधेरे वाली जगह पर हैं और उनके सामने सलाका है। सलाका एडमिरल फिनल से बोलता है कि क्या तुम मुझे देख सकती हो? बहुत बढ़िया, तुम मेरी सेकंड विक्टिम हो, मुबारक हो। सलाका एडमिरल फिनल की भी छाती को चीरकर उन्हें मारने वाला होता है, और हम देखते हैं कि एडमिरल फिनल भी अपने आप को हिला नहीं पा रही होती। तभी कुछ ऐसा होता है कि सलाका हैरान रह जाता है और बोलता है, क्या? हम देखते हैं कि कलीफला बहुत तेज़ी से आके फिनल की बॉडी को हिट करती है और उसके चेहरे पर बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारती है। काबा और बुलमा बहुत हैरान होते हैं, और हम देखते हैं कि सलाका के माइंड ट्रैप में भी फिनल गिरने लग जाती है और उसकी कॉन्शियसनेस वहाँ से गायब हो रही होती है। सलाका बोलता है, अच्छा, अब मैं समझा। आखिरकार एडमिरल फिनल को होश आ जाता है और उनके चेहरे पर स्माइल होती है। वो बोलती हैं, थैंक्स कलीफला। उनके मुंह से खून निकल रहा होता है, पर एटलीस्ट वो खुश हैं कि उनकी जान बच गई। तभी बुलमा के बराबर में कुछ होने लग जाता है और हम देखते हैं कि सलाका अपने फिजिकल फॉर्म ले रहा होता है। सलाका की बॉडी धीरे धीरे करके कंप्लीट हो रही होती है और बुलमा बहुत सारा डरी हुई होती है, क्योंकि ये सब कुछ बुलमा के बराबर में हो रहा था। सलाका फिजिकल फॉर्म लेने के बाद बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला? एडमिरल फिनल एकदम से ही सुपर सीन फॉर्म ले लेती हैं और बोलती हैं कि मैं तुम्हारे जैसे एनचेंट्रेस को पहले से जानती हूँ। तुम सबसे बुरा बस इतना कर सकते हो कि हम लोगों को हिप्नोटाइज करके हिलने से रोक सको। इसीलिए मैंने अपने साथियों को वार्न कर दिया था कि वो ज़रा ध्यान रखें। इसीलिए हम लोगों को साथ रहने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग रिएक्ट कर सकें जब तुम हम में से किसी को पकड़ लो। एडमिरल फिनल कलीफला की तरफ देखकर बोलती हैं कि बहुत बढ़िया कलीफला, तुमने एडमिरल रूबा की टीचिंग्स का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। तुमने बहुत तेज़ी से रिएक्ट किया ये सोचते सोचते कि इस लेवल के स्पेल्स को किस तरीके से तोड़ा जा सकता है। कलीफला अपनी पढ़ाई सुन के खुश होती है और बोलती है कि ये बात तो सच है, उस मोटू ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। मैंने अपने हिसाब से बेस्ट पॉसिबल तरीके से एक्शन लिया, ये सोचते हुए कि एक ताकतवर शौक उस तरीके के स्पेल को तोड़ सकता है। हो सकता है सुनकर ये काफ़ी नासमझी भरा लग रहा हो, पर उसने काम किया। तभी हम सलाका को देखते हैं जो कि बहुत ही ईवल स्माइल के साथ बुलमा की तरफ देख रहा होता है। सलाका बोलता है कि इतने पावरफुल स्पेल में कुछ ना कुछ तो बैकलैश ज़रूर होता है। सच में तुमने बहुत बढ़िया किया, पर इस वक्त मैं बिल्कुल वहीं पर हूँ जहाँ पर मैं होना चाहता था। हम देखते हैं कि बुलमा सलाका के पीछे डरी हुई होती है।
क्योंकि बुलमा की जान इस वक्त बहुत ही बड़े खतरे में है। क्या खलीफा, काबा और फिनेल बुलमा को बचा पाएंगे या नहीं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।